नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंदर, एक कदम शिक्षा की ओर में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने दो वीडियो बना चुका हूँ इसकी, में जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं नौवीं क्लास की हैं, साइंस की वीडियो रोजाना 2 बजे वीडियो आती है, ठीक है ना, और मैथ की आती है 9 बजे साइंस की वीडियो। तो जिस किसी ने भी वीडियो ना देखी हो, इससे पहले वाली और पीछे वाली वीडियो जाके देख सकता है प्लेलिस्ट में। तो कल थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था, उस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हम आज साइंस। देखिए, सेल्सियस से केल्विन में बनाने के लिए, देखिए जैसे ऐसा है, हमारा जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बोलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया इसे केल्विन में बदलो, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 273 जोड़ देंगे, ठीक है। 273 जोड़ते ही हमारा आ गया 373, ठीक है। तो ये आ गया आपका केल्विन में। तो पानी उबलता है सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर और केल्विन में 373। तो मैंने क्या लिखा, जब सेल्सियस से आप केल्विन में जाएंगे तो क्या करेंगे, सेल्सियस में हम 273 जोड़ देंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब देखिए आगे, 373 केल्विन दे रखा है, हमें क्या बनाना है, सेल्सियस। तो 273 घटा देंगे, कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में हमारा उबलता है पानी 273 पर और सेल्सियस में उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं अपनी नोट्स की तरफ। देखिए, वायुमंडल दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर, वायुमंडल दाब पर 1 किलो ठोस कर उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, देखिए इसको समझेंगे भाई, 1 किलो ठोस लिया, ठीक है, 1 किलो ठोस लिया और वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलना, ठीक है ना। देखिए अब क्या हुआ, वायुमंडलीय कोई दाब है, वायुमंडलीय दाब से क्या हो गया कि जो उसका जो गलनांक है या फिर वो द्रव अवस्था में बदल गया, ठीक है ना। तो उसे द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मा ठोस ने ग्रहण की, ठीक है ना, उस ऊष्मा को ही कहा जाता है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। हो गई बात क्लियर, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जल के कण हैं, ठीक है ना, और उधर बर्फ है। तो जो जल के कण होते हैं उसके जो कण होंगे जल के, उसमें ऊष्मा अधिक रहती है और बर्फ में ऊष्मा कम रहती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, रटने वाली बात नहीं है, खाली समझने वाली बात है, ठीक है ना, रटे नहीं सीखे, ठीक है। तो समझने वाली बात है, क्योंकि वही वो ठंडा है तो उसमें क्या होगा, सुकड़ा रहेगा, गर्म में क्या होता है कण फैलते हैं, तो इसलिए द्रव है, तो द्रव तो उससे कम ही ठंडा है, तो द्रव तो उससे गर्म है ना बर्फ़ से, तो इसलिए क्या वो फैला हुआ है, समझ में आ गया। तो इसलिए इसमें ऊर्जा ज़्यादा है, उसमें ऊर्जा कम है। नेक्स्ट देखिए, जल में उसमें ऊर्जा देते हैं, जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं, ठीक है ना, तो कण अधिक तेज़ी से गति करते हैं। भाई कोई पानी गर्म कर लो, नीचे आग लगा दो, तो कण अधिक तेज़ी से गति करेंगे। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी गति आ जाती है कि वे एक दूसरे का आकर्षण बल तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। तो जो कण हैं वो एक दूसरे चिपके हुए हैं, जैसे ही हम नीचे से गर्म करते हैं तो गर्म हो जाते हैं, उनके अंदर ऊर्जा आती है, तो उनके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो एक दूसरे को छोड़कर अलग अलग चले जाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, गैस के रूप में ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तापमान पर द्रव गैस में बदल जाता है, ठीक है ना, जो द्रव होता है वो गैसीय अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर उबलने लगता है, तो वायुमंडलीय दाब पर जिस पर कोई भी द्रव है वो अवस्था में उबलना लगता है, उस अवस्था को क्वथनांक कहा जाता है, ठीक है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक माने उबलना ही होता है, ठीक है। देखिए आगे लिख देखेंगे, देखिए अब पानी उबलता 100 डिग्री सेल्सियस पर,
ठीक है ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे तुलना करेंगे भाप की और पानी की। देखिए उबला हुआ पानी और भाप वाला पानी, ठीक है ना, भाप, ठीक है ना। तो इसमें से किसके कणों में के किसके कणों में इनमें से किसके कणों में गैस के या जो पानी उबल रहा है उसके गैस के या जो पानी उबल रहा है उसके किसके कणों में अधिक ऊर्जा होगी, ठीक है ना, किसके कणों में अधिक ऊर्जा होगी, तो गैस के कणों में अधिक होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो फैल रही है ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है वो ज़्यादा फैलता है, ठीक है ना। तो गैस फैल रही है, पानी ज़्यादा फैला हुआ है तो गैस फैल रही है, ठीक है ना, तो उसके कणों में अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आगे आते हैं, तापमान को बदलकर हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। हम अगर तापमान को बदल देना तो हम पदार्थ की अवस्था को बदल देंगे। जैसे लोहा ले लीजिए, लोहे का ताप बदल दीजिए, हथौड़ा बना लीजिए, उसकी अवस्था चेंज हो गई, ठीक है ना। तो बर्फ़ है, बर्फ़ को ले लीजिए, गर्म कर दीजिए, ताप बदलो, द्रव बन गया। पानी को गर्म करो, गैस बन गई, ठीक है ना। तो ऐसे करके ताप बदल बदल के हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्त हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन कहते हैं। देखिए क्या है, कोई वस्तु है, ठोस है, अब क्या हुआ, वो ठोस वस्तु को जब गर्म करा ना तो वो द्रव में नहीं बदली, वो सीधी की सीधे ही क्या हुआ, गैस बन गई। या फिर कोई गैस है, वो द्रव में नहीं बदली गर्म करने पर, वो सीधी की सीधे ठोस बन गई आके। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन से हम बात करेंगे तो ऊर्ध्वपातन आपका हो गया कपूर में। कपूर आप कहीं पर रख दीजिए, ठीक है ना, कुछ समय बाद क्या वो उड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कपूर के गैस का, सॉरी ठोस का द्रव ना बनकर सीधा गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट आते हैं, दाब के बढ़ने पर और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। तो दाब, जब दाब बढ़ता है और तापमान घटता है तो गैस क्या होता है, द्रव में बदल जाती है, ठीक है ना। दाब बढ़ाओगे तो भी द्रव बनेगा, तापमान बढ़ाओगे तो भी वो द्रव में ही गैस परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए देखिए जो ठोस होती है, देखिए ठोस द्रव अवस्था में ना बदलकर, ठोस द्रव अवस्था में ना बदलकर कब, ठीक है, डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाती है, तो ये बदलती है एक एटमॉस्फेयर पर। कब? एक एटमॉस्फेयर पर बदलती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देखिए जो हमारी जो बर्फ़ होती है वो भी हमारी इसी प्रकार से जमाई जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहा जाता है, ठीक है ना। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ़। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ भी इसीलिए कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि चलो इतना ही कर लेते हैं फिलहाल, इतना इसमें ध्यान रखना कि ठोस बर्फ, शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, जब कार्बन डाइऑक्साइड जमी होती है। तो जो हमारा फ्रिज में बर्फ़ जमी होती है वो उसी प्रकार से होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक बार देख लूँ कहीं ज़्यादा लंबा ना चला जाए, हिसाब किताब देखना पड़ता है, कहीं वीडियो लंबी हो गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। हाँ देखिए, देखिए जो गैस का जो दाब होता है, गैसीय दाब को मापने के लिए एटमॉस्फेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। गैसीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एटमॉस्फेयर का। कितना दाब हो चुका है गैस का तो एटमॉस्फेयर से नापा जाता है, ये इसका एसआई मात्रक है, ठीक है ना, सॉरी एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापने का मात्रक, दाब का सॉरी ये गलत करा, थोड़ा गलत बोल दिया, एक बार पढ़ देता हूँ, एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है, सॉरी सही तो वो पढ़ा था, गलत कर दिया। जो एटमॉस्फेयर होता है क्या होता है, गैसीय दाब के मापन का मात्रक है,
ठीक है ना। तो जो गैसीय दाब का जो मापक जो होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नापा जाता है। जो भी गैसीय दाब का जो माप किया जाता है वो एटमॉस्फेयर में मापा जाता है, ठीक है ना। और दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हाँ यहाँ लिख देता हूँ, दाब और गैसीय दाब, ठीक है, ये थोड़ा गैसीय दाब, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया एटमॉस्फेयर और दाब नापते हैं पास्कल से, तो इस बात का ध्यान रखेंगे दाब नापते हैं हम लोग पास्कल से, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए एक एटमॉस्फेयर बराबर किसके होता है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 × 10^5 पास्कल, इतने छोड़ देते हैं, ठीक है ना। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है इतने, ठीक है ना। अब देखिए वायुमंडल में वायु का दाब, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। देखिए वायुमंडल में वायु का दाब, देखिए हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, ऊपर क्या है, ऊपर पूरे के पूरे में क्या है हमारे वायुमंडल है, हम पृथ्वी पर हैं कहीं भी खुली जगह में, तो ऊपर सारे में वायुमंडल है, तो ऊपर से वायु का जो वजन है वो हमारे सर पर पड़ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हमें पता नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे आप एक बाल्टी ले लो, बाल्टी भर के आप गोल गोल घूमो तो आपको बाल्टी का वजन नहीं पता चलेगा, इस तरह से हमें वायुमंडल का भार पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, जो भी ऊपर से हमारे ऊपर दाब लगता है वो सब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है, जो समुद्र की सतह होती है ना पूरी समुद्र की, वहाँ पर जो वायुमंडल का दाब होता है वो एक एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। और इस एक एटमॉस्फेयर दाब को सामान्य दाब भी कहा जाता है, ठीक है, सामान्य दाब कहा जाता है एक एटमॉस्फेयर दाब को। नेक्स्ट आते हैं, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, ठीक है ना। पदार्थ के कण जो होते हैं हमेशा गतिशील होते हैं, कभी उनकी गति रुकती नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक निश्चित तापमान पर गैस द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। देखिए एक निश्चित ताप पर क्या होता है, एक निश्चित ताप पर क्या होता है, गैस द्रव और ठोस के कणों में अलग अलग गति होती है, ठीक है ना। तो ताप के ऊपर बात करता है, बात होती है, ठीक है ना, अलग अलग गतिज ऊर्जा होती है उनके कणों में, ठीक है। तो एक निश्चित तापमान पर गैस द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आते हैं, ध्रुवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ जो, देखिए द्रव ध्रुवों में, देखिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, कहीं में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, आपने देखा होगा कहीं पे प्लॉट में पानी भर जाता है, तालाब सा भर जाता है पूरा का पूरा, तो जब ऐसे करके पानी भरा हुआ होता है ना, तो जो ऊपर की तरफ जो होता है, जो पानी के ऊपर की तरफ जो कण होते हैं वो काफ़ी हल्के कण होते हैं। वो हल्के कण क्या होता है, वो कण इतने हल्के होते हैं कि उनके आसपास से जब कोई वायु भी जाती है ना तो उससे आकर्षित हो जाते हैं, और आकर्षित होकर वो उसी के साथ ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे खाली एक बात है कि वो ऐसे कण होते हैं जिनको, जैसे पानी उबलता है तो कण ऊपर, कुछ कण ऊपर उड़ते हैं, तो वो तो इसलिए उड़ते हैं क्योंकि उनको और ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन उनको कम ऊर्जा चाहिए होती है, तो वो क्या होता है किसी के साथ ही वो ऊपर को निकल लेते हैं। तो क्वथनांक से कम तापमान पर, मतलब कि उबलने से भी कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। समझ में आ गया, जो क्वथनांक से भी कम तापमान पर जब कण, ठीक है ना, वाष्प के रूप में बदल जाते हैं तो इसी को कहा जाता है वाष्पीकरण। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आगे आते हैं, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है, एक सतह वाली प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। देखिए आप एक गिलास में पानी ले लीजिए, ठीक है ना, और एक पदार्थ में रख दीजिए, देख लीजिए पहले पानी किसका उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो एक सतही प्रक्रिया है, तो इसलिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हम लोग कपड़ों को जब सुखाते तो फैलाते क्यों हैं, हम कपड़ों को इसलिए फैलाते हैं ताकि, क्योंकि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, जितना सतह पर चीज सतह रहेगी ज़्यादा उतना ही वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसे उल्टे सीधे बिना निचोड़े ऐसे कैसे रख देंगे तो वाष्पीकरण कम होगा, तो ये आपका हो गया, इसलिए हम कपड़ों को फैला कर रखते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को और इनके नोट्स बनाते रहें, ठीक है ना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे।